हर साल नक्सली गर्मियों के सीज़न में, खास करके मार्च अप्रैल मई के सीज़न में जिस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, इस साल भी नक्सलियों ने नारायणपुर में जवानों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि जो जवान हैं वो धोड़ाई थाना क्षेत्र के कड़ेनार में सर्चिंग ले गए हुए थे और कुल बस में 25 जवान सवार थे जो सर्चिंग के बाद वापस लौट रहे थे, मुख्यालय की ओर नारायणपुर की ओर लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने ये ब्लास्ट किया है जिसमें अभी जो जानकारी मिल रही है 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि जो 22 जवान बुरी तरह से घायल है और इनमें से जो अन्य 4 बुरी जो घायल है जवान उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बाकायदा जगदलपुर से जो MI-17 है हेलीकॉप्टर दोनों रवाना कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये नारायणपुर में लैंडिंग करके वहाँ से जितने भी घायल जो जवान हैं उन्हें रायपुर रेफर किया जा सके ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। जिस तरह से यह जानकारी मिल रही है कि नक्सली पहले से ही घात लगाए बैठे थे और पूरी तरह से टारगेट में थे कि उन्हें मालूम था कि जो जवान हैं उसी रास्ते से सर्चिंग के बाद वापस नारायणपुर लौटने वाले हैं और इस दौरान नक्सलियों ने एक बड़ा ब्लास्ट किया जिसमें पूरी तरह से बस चपेट में आया हुआ है। हालांकि ये बात सामने आ रही थी कि नक्सलियों ने यात्री बस को निशाना बनाया लेकिन इसमें पूरी तरह से जवान ही सवार थे और जवान लोग के ही ये जो बताया जा रहा है ये बस है। और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, पहले से ही इनपुट भी मिल रही थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल और मई महीने में जिस तरह से नक्सली एक्टिव रहते हैं और खासकर सर्चिंग में निकलते हैं जो जवान हैं उसके बाद जो वापस लौटते वक्त है वो काफ़ी थक जाते हैं और उसी वक्त नक्सली इन्हें अपना निशाना बनाते हैं। और हुआ भी यही कि जब नक्सली पूरी तरह से जो जवान थक हार के वापस अपने मुख्यालय की ओर आ रहे थे, बस में सवार होकर आ रहे थे, तब नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी तरह से जवान हैं वो DRG के जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो पूरी तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बस्तर के खासकर ज़्यादा इसमें जवान हैं। और इसके अलावा आत्मसमर्पण नक्सली भी उन्हें जब वो समर्पण किए हैं उसके बाद उन्हें DRG जवान बनाया गया है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो DRG जवान है वो नक्सलियों से लोहा लेने में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। पिछले 3 सालों से जिस तरह से लगातार DRG के जवान को उपलब्धि मिल रही है, यही वजह है कि नक्सली इन्हें टारगेट बनाने के लिए इस उद्देश्य से इस रूट पे पहले से ही बम जो बिछा के रखे हुए थे और कोशिश यही कर रहे थे कि कैसे भी उनके फंसाए हुए जाल में जो जवान की बस है, जो पूरी तरह से जवानों से भरा हुआ बस था, उसे टारगेट बनाया जा सके। और नक्सलियों ने जैसे ही बस कड़ेनार के पास पहुंचा है और इसे ज़बरदस्त ब्लास्ट किया है, पूरे बस के परखच्चे उड़ गए हैं और बुरी तरह से जवान इसमें घायल हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो जो जवान की शहादत हुई है, कुल 4 जवान हैं वो बस्तर के हैं बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन बताया जा रहा है कि नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा के रहने वाले ये शहीद जवान हैं। इसके अलावा जो घायल भी जवान हैं वो भी बस्तर संभाग के रहने वाले हैं। मौके पर एक टीम को भी रवाना किया गया है। बाकायदा नारायणपुर पुलिस ने CRPF और DRG की संयुक्त बल को मौके के लिए रवाना किया गया है। लगातार उस जगह सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर IG भी खुद नारायणपुर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि प्रदेश के DGP भी कल नारायणपुर पहुंच सकते हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले से ही इनपुट मिल रही थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, बावजूद इसके बड़ी संख्या में जवानों को एक ही बस में सवार होकर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया, क्योंकि इससे पहले भी धोड़ाई क्षेत्र में नक्सलियों ने आज से 4 साल पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और यहाँ भी बस को विस्फोट किया था जिसमें भी 12 जवान शहीद हुए थे। और एक बार फिर उसी इलाके में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लगातार जो IB की रिपोर्ट भी थी कि नक्सली मार्च में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, यह भी बताया जा रहा था कि नक्सली इस बार सुकमा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट जो नक्सली है उन्होंने नारायणपुर में आज जो बस, जो जवानों से भरी बस है उसे अपना निशाना बनाया है। हालांकि पूरी तरह से नारायणपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो सर्चिंग पार्टी निकली है वो पूरी तरह से इलाके में सर्च कर रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो जवान है जो बुरी तरह से घायल है उन्हें बेहतर उपचार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुरक्षित हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर पहुंचाया जा सके, क्योंकि नाइट लैंडिंग की भी सुविधा है और पूरी तरह से यहाँ के जो एयरफोर्स में 2 MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भी पूरी तरह से नाइट लैंडिंग के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि कैसे भी करके जो घायल जवान हैं उन्हें रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल ले जा सके। और मौके के लिए पूरी तरह से जवानों को सर्चिंग के लिए भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पर एक CRPF कैंप भी है और CRPF कैंप से वहाँ के जवानों को भी ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये चूक देखने को मिली है, जब जवान बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे तो किसी तरह से
रोड ओपनिंग पार्टी नहीं लगाई गई थी और भनक भी नहीं लगी कि नक्सलियों की यहाँ मौजूदगी हो सकती है, बावजूद इसके कि वहाँ पर पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। किसी तरह का कोई अनुमान पुलिस ने नहीं लगाया और यही वजह थी कि नक्सली सॉफ्ट टारगेट मानकर जो बस में जवान वापस लौट रहे थे उन्हें अपना निशाना बनाया है।